दुरूद शरीफ पढ़ लें। डायरेक्ट मेथड का एक सवाल और कराता हूँ, फिर इनडायरेक्ट मेथड बताता हूँ। ज्यादा वैसे इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट भी टेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, स्काई लिमिटेड पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ। जी पढ़ लिया। अच्छा, मैंने तो कहा था कि दो बैलेंस शीट नहीं होंगी, ये तो एक भी नहीं दी हुई है। पता नहीं इसमें तो एक भी बैलेंस शीट नहीं है भाई, है मैंने तो कहा था दो बैलेंस शीट होंगे तो एक भी नहीं है। हाँ देखें, दो बैलेंस शीट से हमें चाहिए क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आपको ये जो पहले ट्रायल, प्रॉपर ट्रायल भी नहीं है खैर, बस आपको एक लिस्ट दी हुई है इन्फॉर्मेशन की, तो ईयर एंड की इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। बेशक इसमें सेल्स हमारे काम की नहीं है, बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, तो वो हैं बैलेंस शीट की आइटम्स के अंदर। ना ये पूरा प्रॉपर ट्रायल बैलेंस है ना बैलेंस शीट है, लेकिन बैलेंस शीट देखने के लिए थोड़ी चाहिए थी, उसमें हमें क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए थे। तो ये जो पहला टेबल गिवन है, यहां से क्लोजिंग बैलेंसेस मिल जाएंगे, और अभी साल के शुरू में ही ये बिजनेस खरीदा गया है, तो उसकी उस वक्त की पोजीशन पॉइंट वन में बताएगी। तो वो जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए होते हैं, बेशक बैलेंस शीट की शक्ल नहीं है, लेकिन चीजें पूरी। इसी तरह डायरेक्ट मेथड में आपको कहा था एक इनकम स्टेटमेंट दी होगी, तो इनकम स्टेटमेंट तो अच्छी लगने के लिए तो नहीं चाहिए थी ना, किस लिए चाहिए थी, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स उसी के लिए चाहिए थी, तो वो दी नहीं ओवर लिस्ट के अंदर। तो चूंकि ऊपर बैलेंसेस अवेलेबल हैं, जो जो चीजें एसओएफपी एसओसीआई से चाहिए थी वो बेशक उस शक्ल में नहीं है लेकिन अवेलेबल है, तो इसलिए दो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आ गई, एक एसओसीआई की इंफॉर्मेशन आ गई, तो चीजें हैं पूरी हैं। हाँ, इसमें एक मेहरबानी जरूर है कि सिर्फ और सिर्फ कहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना दें बस, तो वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं बनाना, मतलब पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पोर्शन करना है। कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मेनली तो फर्क ही इसका, इसलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है सवाल।
क्योंकि हेडिंग की जरूरत नहीं है, नीचे लिख लूंगा। फॉर द ईयर एंडेड है June 30, 2014 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी सबसे पहले रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो जब ये 1 जुलाई 2013 को बिजनेस खरीदा था वो 0.1 में उस वक्त के बैलेंसेस दिए हैं, तो बस ठीक है भाई ओपनिंग बैलेंसेस हैं। उस वक्त डेटर्स कितने थे? 8। और अभी ईयर एंड पे कितने हैं? कितने? 28। ये ग्रॉस डेटर्स हैं या प्रोविजन इसमें से नेट हुई हुई है? तो फिर ये ग्रॉस हुए कि नेट? ये ग्रॉस हैं क्योंकि प्रोविजन का अलहदा से क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ये जो पहला टेबल है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, चीजें पूरी हैं, लेकिन डेटर्स का डेबिट बैलेंस अलहदा से दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अलहदा से क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो ये जो 28 डेटर्स दिए हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स की बात है, तो ये नेट हुए प्रोविजन से, यही ग्रॉस है, बस ठीक है यही चाहिए थे। नेट होते तो फिर अलहदा से वो प्रोविजन का बैलेंस नजर ना आ रहा होता। तो ये ग्रॉस है, ठीक है ग्रॉस चाहिए थे। और क्या आता है इसमें? सेल्स, सेल्स कितनी है? 72। राइट ऑफ है 172। राइट ऑफ है पता नहीं, चेक करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इधर बीडी, इधर आता है सीडी, इधर राइट ऑफ और इधर एक्सपेंस। क्या क्या पता है सवाल में? क्या क्या पता है जी? सीडी पता है, ये ऊपर ट्राई ऊपर वाले टेबल से नजर आ रहा है, कितना? 6। और क्या पता है सवाल में इससे रिलेटेड? बैड डेट एक्सपेंस कहाँ पता है? यही जो ट्रायल बैलेंस है इसमें बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है ऊपर से चौथी लाइन 6। और क्या पता है? बीडी पता है 0, क्योंकि 0.1 में लिस्ट दी हुई है ना, उसको क्या क्या था तो नहीं थी प्रोविजन। 0.1 में 1 जुलाई 2013 के बैलेंसेस दिए हुए हैं, 0.1 में देखें टेबल है ये, जहां से ये देख के लिखा है, तो उनमें तो है ही नहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, जब काम ही तब शुरू किया तो कौन सी पहले दिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो बीडी नहीं है तो बस फिर राइट ऑफ भी नहीं है, ये बैलेंस देखें हो जाता है, तो राइट ऑफ नहीं है, बस डेटर हो गए पूरे। यहां से निकल आएंगी रिसीट्स, ये हो गए रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। और क्या आता है? कोई और अगर रिसीट्स हैं तो कोई सवाल में ऐसी चीज़ के कुछ और को रेंट लिया हो, कोई सर्विसेज दे के पैसा लिया हो, कोई रद्दी बेच के पैसा लिया हो, पुरानी जुतियाँ नायलॉन कोई तो है कोई ऐसी चीज़? नहीं। आगे पेमेंट टू सप्लायर,
हमारी लाइन कौन सी? अदर शीट्स लिख के? हाँ कोई बात नहीं, लिख दे। अच्छा कुछ सवालों की प्रैक्टिस तक ना, तो आप बेशक फॉर्मेट ही फॉलो करते रहे, लेकिन जब सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, कौन कौन सी लाइनें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, तो फिर फॉर्मेट के मोहताज नहीं रहेंगे। सप्लायर्स के लिए दो वर्किंग्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस निकालनी पड़ेंगी और क्रेडिटर से फिर पेमेंट्स निकलेंगी। जब बिजनेस खरीदा उस वक्त कितनी इन्वेंटरी मौजूद थी, अब साल के एंड पे कितनी है? 10। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें डेप्रिसिएशन की तो मिलावट नहीं है? नहीं, होती कोई तो बता देते, तो नहीं है। कितनी? 80। तो यहां से निकलेंगी परचेजेस 86, ये आएंगी यहां पर। क्रेडिटर्स उस दिन कितने मौजूद थे, साल के एंड पे कितने मौजूद हैं? 20। इसमें कोई इंटरेस्ट पेबल की मिलावट तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा हिंट नहीं है। ठीक है, आगे यहां से क्या निकलेगा? पेमेंट्स 7। पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग अक्रूड, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग अक्रूड, चार रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो कोई प्रीपेड कोई अक्रूड नहीं, तो बस फिर यही पेमेंट होगी है? नहीं, हाँ तो ठीक है, यही पेमेंट है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं, प्री पेमेंट ही कोई नहीं है, कोई अक्रूड ही नहीं है, तो जो एक्सपेंसेस हैं फिर वही पेमेंट हुई ना, तो यही जो ट्रायल में दिए यही यहाँ लिख लूँ। नहीं? कोई और याद? हमने इसमें नॉन कैश आइटम नहीं माइनस करनी होती है? तो देखे ना, शायद हो गए नॉन कैश आइटम, देखते हैं। जो सवाल में एडमिन और सेलिंग दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग और सेलिंग, कितने हैं? 40 है। इसमें कोई नॉन कैश आइटम्स? बैड डेट इसके अंदर शामिल है? कैसे पता? नहीं शामिल, वो अलग से आ रहे हैं, तो बैड डेट तो गए। अच्छा, और हम लोग माइनस करते होते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल, तो ये लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, ये उसी तरह की चीज है, तो ये करें माइनस, अलग से आ रहे हैं। देखें ट्रायल बैलेंस में जो अलग अलग बैलेंसेज आ रहे हैं, तो उनकी अपनी अपनी पहचान है। ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 40 है, क्या बैड डेट एक्सपेंस इस 40 में शामिल है? कैसे पता? क्योंकि अलग आ रहा है। इसी तरह से लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, ये भी लॉस ऑन डिस्पोजल ही है तकरीबन, ये भी क्योंकि अलग से आ रहा है तो ये भी नहीं शामिल इसमें, कुछ भी नहीं, पक्की बात, कुछ तो होगा यार, इतना पूछ रहा हूं, कुछ तो होगा।
क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कुछ तो होगा यार, अपनी जिंदगी का इतना हिस्सा लगाया यार आपने। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलग से आ रही है कहीं? तो बस इसी में ही होगी। प्राइस में कहीं अलग से डेप्रिसिएशन अपीयर हो रही है तो फिर होगी इसमें। अच्छा क्या पता डेप्रिसिएशन ही ना हो, पीपी है तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे नहीं होगी? तो पीपीई को खोल के देखना पड़ेगा, होगी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको इस पहले वाले टेबल के बिल्कुल लास्ट के अंदर पीपीई की डब्ल्यूडीवी दी हुई है, तो होगी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन। बना लेते हैं पीपीई। पहले दिन कितना था पीपी? 50। साल के एंड पे कितना है? 105। और कुछ पता हो उसके बारे में? और सवाल में इसके बारे में कुछ पता हो, कोई और चीज जो इससे रिलेटेड? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं जो हमने मजीद एसेट खरीदा होता है, कैपिटलाइज किया होता है, तो एडिशन है ये। कितना है? 70। और कुछ पीपी से रिलेटेड चीज? पॉइंट नंबर 3, एक गाड़ी थी जो एक्सीडेंट में हो गई डिस्ट्रॉय, इसकी उस वक्त कॉस्ट 5 मिलियन थी, बुक वैल्यू 4 मिलियन थी, यानी 4 मिलियन बुक वैल्यू वाली गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके बदले कुछ ना कुछ इंश्योरेंस से पैसे मिले होंगे, तभी कहीं पर कोई लॉस ऑन इंश्योरेंस क्लेम आया है। ये ऐसा ही है जैसे गाड़ी बेच दी, टूटी फूटी गाड़ी किसी को बेच दी और इंश्योरेंस से पैसे ले लिए। ये बात फिर सुनिए, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हुआ ये होगा कि एक गाड़ी हुई होगी डिस्ट्रॉय, अब वो टूटी फूटी गाड़ी इंश्योरेंस वालों के हवाले की और इंश्योरेंस से उसके पैसे मिले, लेकिन वो थोड़े पैसे मिले तो उस पर हुआ लॉस। ये ऐसे ही है जैसे हमने टूटी फूटी गाड़ी किसी को बेच दी, तो डिस्पोजल, तो 4 मिलियन बुक वैल्यू वाला एसेट डिस्पोज हुआ है, तो यहां डिस्पोजल आ जाएगा। चार या पांच? क्योंकि हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। और इस सवाल में कहीं पीपी के बारे में कुछ पता हो? कुछ नहीं। तो अब बैलेंस करें, ये 13 फिर यकीनन डेप्रिसिएशन होगी, ये इसमें शामिल थी, ये निकाल लेते हैं। तो पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया 27। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अब इसका टोटल हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 247। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स पेड, टैक्स पेड नहीं बताया, टैक्स एक्सपेंस है।
साल के शुरू में टैक्स पेबल कोई नहीं था, साल के एंड पे टैक्स पेबल कितना है? वन। टैक्स एक्सपेंस कितना है? 15। तो टैक्स पेड कितना निकल आएगा? 15। हाँ, ये जो क्लोजिंग वन लिखा हुआ है इसके साथ लिखा हुआ है कि नेट ऑफ पेमेंट्स है, तो फिर सीडी क्या होता है? दोबारा सुने, सीडी बैलेंस 1 मिलियन है, टैक्स पेएबल का सीडी बैलेंस 1 मिलियन है, पेमेंट हो जाने के बाद बचा हुआ है ये, तो नेट ऑफ पेमेंट ही होता है। सीडी बैलेंस पेएबल का नेट ऑफ पेमेंट ही होता है। नहीं समझ आ रही, इधर देखें, डेटर्स को सेल्स की पैसे मिल गए, अभी भी इतने पैसे मिलने बाकी हैं, जितने पैसे मिल गए ये उसको लेस करने के बाद की फिगर है या उससे पहले की फिगर है? डेटर से जितने रिसीट्स हुई उनको माइनस करने के बाद की ये फिगर है या रिसीट्स अभी माइनस नहीं हुई? नहीं, तो सीडी वही होता है जो पैसे मिलने के बाद बचा हुआ है। तो ये जो टैक्स पेएबल बचा रह गया, एक और तरीका से सुने, क्रेडिटर्स का ये सीडी बैलेंस है, क्रेडिटर से चीजें खरीदी उनको पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद अभी इतना पेएबल बाकी है, तो ये जो सीडी है ये पेमेंट्स के बाद है या से पहले? तो ये पेमेंट्स नेट करने के बाद है। हाँ, तो बाद में ही होता है, सीडी पेमेंट्स के बाद ही होता है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा, तो सही लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस नेट ऑफ पेमेंट्स ही होता है भाई, तभी तो उसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, सीडी होता ही नेट ऑफ पेमेंट्स है, तो पेमेंट्स निकल आई 14। और क्या आता है? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज एक ही बात है, तो इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, फाइनेंस चार्ज पेड, तो पेड ही दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड कितना? 8। और क्या आता है? डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, है कुछ ऐसा? बस खत्म हो गया सवाल है? मैंने क्या कहा था? हाँ, तो रिटेन अर्निंग है ही ना, वरना हम जरूर डिविडेंड चेक करते। अच्छा, डिविडेंड क्यों चेक करते? डिविडेंड रिसीव तो नहीं आता उसके, रिटेन अर्निंग मैंने क्यों कहा था चेक करने को? डिविडेंड पेड के लिए। अच्छा, इस सवाल में अगर डिविडेंड पेड की इंफॉर्मेशन होती तो हम वो भी लिख देते यहां, क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग में भी तो आ सकता है ना, ये मना है, ऑपरेटिंग में आ सकता है, तो अगर सवाल वाले ने डिविडेंड का डाटा दिया है लेकिन पूछ फिर भी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रहा है, तो शायद इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालना है डिविडेंड पेड। वैसे नॉर्मली फाइनेंसिंग में आता है, इसलिए मैंने फॉर्मेट में भी फाइनेंसिंग में रखा है, लेकिन अगर इसी सवाल में उसने सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा है फिर भी डिविडेंड पेड की इन्फॉर्मेशन होती तो फिर वो चाह रहा होता कि उसको ऑपरेटिंग में दिखाना है, फिर भी हम दिखा देते। तो इस सवाल में और कुछ नहीं, खत्म हो गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 40। हाँ, 41 कैसे? 25। 41 कैसे वैसे? अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद, कोई बात नहीं यार, एक साल का वादा थोड़ी किया था। अभी तक कैश फ्लो में कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल काम, मेहनत मजदूरी ही है, सही है, ऐसे ही है। डायरेक्ट मेथड बस काफी है, इनडायरेक्ट मेथड पे आते हैं। एक सवाल डायरेक्ट मेथड का आपको होमवर्क कहा था, नहीं वो कैमरा बंद करने के बाद कहा था असल में, एक सवाल होमवर्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये जो पिछली क्लास में सवाल किया था ना उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। हाँ जी, इसमें एक दो पॉइंट होंगे आपको तंग करने वाले, तो ठीक है कर लेंगे डिस्कस, लेकिन वो दो पॉइंट ही होंगे, बाकी हो जाएगा आराम से। ये जो पिछली क्लास में सवाल किया था ना वो इसी को कॉपी करके बनाया हुआ था, बल्कि इससे भारी सवाल था वो, उसमें ज्यादा चीजें थी, इसमें कम है।
दो पॉइंट इसमें आपको मैं जो उम्मीद है कि मसला करेंगे, उसके अलावा बाकी हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा जरूर करिएगा। डायरेक्ट मेथड बहुत है, इनडायरेक्ट मेथड पे आते हैं। अच्छा अब इनडायरेक्ट मेथड में ना, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि ये फिगर्स जो इसके फॉर्मेट पे हैं इनको कैलकुलेट कैसे करना है। अभी फिलहाल क्यों का जवाब नहीं दूंगा कि ये क्यों है, सिर्फ पहले फॉर्मेट में आपको फिगर्स तक पहुंचाना बताऊंगा और उसकी प्रैक्टिस में एक दो सवाल पहले कर लेंगे, यानी एक बार फिगर वर्क हो जाए फिर मैं आप उन क्यों की वजह जरूर बताऊंगा, क्योंकि एक तो नॉलेज के लिए भी बताऊंगा, हमेशा ही बताता हूं। एक दफा सवाल भी आ गया था 8 नंबर का कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसलिए वो क्यों इंपॉर्टेंट होगा जानना। वैसे मैं नॉलेज के लिए बताता तो हर लोगों ने 8 नंबर का सवाल ही पूछ लिया तो, लेकिन उस क्यों से पहले सिर्फ बगैर लॉजिक के सवाल एक दो हाथ से गुजार लें फिर क्यों बताऊंगा। पहले पेज पे आ जाए नोट्स में, ये इस रूम में चलता है मल्टीमीडिया, देखते हैं किधर ये ऑन है, लेकिन वो नहीं है, शीट नहीं है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस से ऊपर 3 लाइनें थी 4 लाइनें डायरेक्ट मेथड में, और उसको डायरेक्ट मेथड ही इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सीधे सीधे रिसीट्स पेमेंट्स ही लिखी होती हैं। कौन सी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो, तो इसमें तो पैसे का आना जाना ही बताना है, यानी रिसीट पेमेंट्स ही बतानी है, तो उसमें लिखी ही रिसीट पेमेंट होती है, इसलिए उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें जैसे अभी इधर जो सवाल किया था उसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 47। अगर यही सवाल इनडायरेक्ट मेथड से किया होता तो इन सारी लाइंस, ये सारी इधर नीचे 47 आ रहा होता। इनडायरेक्ट मेथड में भी इन सब के बाद जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा वो आएगा वही जो डायरेक्ट में कैश जनरेटेड आ रहा है, उसके बाद दोनों सेम हो जाते हैं। इससे ऊपर ऊपर की लाइनों में फर्क है, जो भी सवाल किया ना उसमें रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, अदर रिसीट्स, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, उसका आंसर कैश जनरेटेड था। वही 4 लाइनें टोटल ये आंसर दे रही थी, उनकी जगह ये सारी लाइनें लिखते हैं, इनका आंसर भी यही आ रहा होता है। अब ये जो इस वक्त यहां सामने चीजें लिखी हुई हैं इसमें आपको ऐसी चीजें भी नजर आएंगी जो कैश नहीं है, बैड डेट तो कैश नहीं होता, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कि कुछ और अजीब अजीब चीजें लिख के एंड फिर भी कैश निकल आता है, इनडायरेक्टली वहां तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये सब चीजें क्यों ऐड हो रही हैं, क्यों लेस हो रही हैं, ये क्या है, माइनस में क्यों है, प्लस में क्यों है, इसकी वजह नहीं है, अभी बताऊंगा बाद में, पहले एक दो सवाल कराऊंगा। पहले अभी सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट पे चीजें आपने कैसे फाइंड करनी है सिर्फ वो बता रहा हूं ताकि सवाल करने तक पहुंचा सकूं, बस वजह बताऊंगा लेकिन एक दो सवालों के बाद। सबसे पहले यहां लिखना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर सवाल में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो कर लेंगे फाइंड। अच्छा एक बात हाँ, और इनडायरेक्ट मेथड में हम मोहताज नहीं है इनकम स्टेटमेंट के, इसमें आपको जो क्वेश्चन में चीजें गिवन होंगी वो बैलेंस शीट काफी है, 2 SOFP गिवन होंगी यानी करंट और कंपैरेटिव, अगर
SOCI दे दें तो मेहरबानी, सोसी दे दें तो और भी मेहरबानी, वरना मजबूरी नहीं है, उसके बगैर काम चल जाएगा। दो SOFPs और अदर इंफॉर्मेशन काफी है। इनडायरेक्ट मेथड में कोई मजबूरी नहीं है कि SOCI के बनो, डायरेक्ट मेथड में जरूरी था, इनडायरेक्ट में नहीं है जरूरी। तो PBT अगर तो गिवन है तो ठीक है लिख दें, नहीं गिवन तो कैसे ढूंढें? PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर सवाल में दिया है तो यहां लिख लेंगे, नहीं दिया तो कैसे ढूंढें? रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग क्लोजिंग निकलेगा, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग क्लोजिंग होगा, वहां से डिविडेंड पैट निकलेगा, टैक्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग होगा, वहां से टैक्स एक्सपेंस निकलेगा, और फिर PBT निकलेगा, जो बिल्कुल शुरू शुरू में कहीं नहीं अगली क्लास में प्रैक्टिस की थी। तो PBT अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो फाइन कर लेंगे। डेप्रिसिएशन गिवन है तो ठीक है, नहीं तो जैसे अभी PPE से फाइन किया वैसे फाइन करेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल ये भी अदर इंफॉर्मेशन में गाइडेंस होगी, रीवैल्यूएशन लॉस गाइडेंस अवेलेबल होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है तो सही है, नहीं तो इंटरेस्ट पेड बताया होगा वहां से निकलेगा। बैड डेट एक्सपेंस बताया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का BD बताया होगा, CD बताया होगा, राइट ऑफ बताया होगा, वहां से निकाल लेंगे। फेयर वैल्यू लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताया होगा, इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम होगी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नहीं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। फेयर वैल्यू गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताया होगा, ग्रांट इनकम फॉर द ईयर हो सकता है बताई हो सकता है वो गवर्नमेंट ग्रांट की वर्किंग से निकालनी पड़े। रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होगी इंफॉर्मेशन। इन सब को एड और इन सब को लेस करने के बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन अगर ये लाइन ना भी लिखें, यानी अंग्रेजी ना भी लिखें, तो कोई मसला नहीं, इन सब को प्लस माइनस करके ये आंसर निकाल लें, बेशक बेनाम रख दें उसको कोई बात नहीं, लेकिन लिख देंगे नाम तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहलाता है। फिर इसमें से कुछ चीजें प्लस कुछ माइनस करनी है। अब ये कुछ चीजें क्या है, उससे पहले ये अंग्रेजी देखें। इंक्रीज ब्रैकेट है, डिक्रीज यानी इंक्रीज है तो नेगेटिव लिखनी है, डिक्रीज है तो पॉजिटिव लिखनी है, लेकिन इन दोनों लाइनों में इंक्रीज पॉजिटिव। अच्छा, इन नामों को देख के देखिए कोई फर्क समझ आ रहा है कि किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लिखना है? ये एसेट्स हैं, यानी एसेट्स की इंक्रीज नेगेटिव है, डिक्रीज पॉजिटिव है, और ये लाइबिलिटीज हैं, इनकी इंक्रीज पॉजिटिव है, डिक्रीज पॉजिटिव है। क्यों नहीं बताया अभी नहीं बताया, अभी क्यों बताना है? ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज, क्या ये गिनती के यही छह हैं? क्या यही नाम ऐसे ही होंगे? नहीं। और इंक्रीज डिक्रीज से क्या मुराद है, पहले बता दो, इंक्रीज डिक्रीज से क्या मुराद है? इंक्रीज डिक्रीज से मुराद ये है कि दो बैलेंस शीट लेनी है, 2022 की बैलेंस शीट में डेटर्स का बैलेंस आ रहा है 430, और 2021 की बैलेंस शीट में डेटर्स का बैलेंस आ रहा था 405। डेटर्स का बैलेंस पिछले साल से बढ़ गया या कम हो गया? ये इंक्रीज है। कितना इंक्रीज? 25। तो 25 यहां लिखेंगे, इंक्रीज ब्रैकेट लगा के लिखें। इसी तरह से अगर 2022 की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स शो हो रहे हैं 165 और ओपनिंग शो हो रहे थे 180, तो ये डिक्रीज करके कम हो गए। इस साल की फिगर पिछले साल की फिगर से कंपेयर करके देखेंगे, बढ़ रही है तो इंक्रीज, कम हो रही है तो डिक्रीज। क्योंकि कम हो रही है कितने से? 15। लाइबिलिटी की डिक्रीज नेगेटिव है तो यहां डिक्रीज लिखेंगे। इंक्रीज डिक्रीज दो बातें बता दी, इंक्रीज डिक्रीज से मुराद क्या है, दोनों कॉलम का फर्क, और पॉजिटिव किसको नेगेटिव किसको? एसेट्स के लिए इंक्रीज नेगेटिव, लाइबिलिटीज के लिए डिक्रीज नेगेटिव। क्यों नहीं बताया? अब तीसरी बात कि ये कौन सी लाइन आइटम्स हैं, कैसे याद रखना है, क्या इनको रटना है या सवाल से निकलनी है फिगर्स? इसके लिए आइए पेज नंबर अगले पे, अगर यहां नहीं पढ़ा जा रहा तो, वरना तो यहां देख लें, अगर पढ़ा जा रहा है तो यहीं देख लें। इसको अगर नेगेटिव है तो लॉस कह देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगर नेगेटिव है तो ऑपरेटिंग लॉस कह देंगे। अगले पेज पे देखिए जी, अगर पढ़ा जा रहा है तो यहां पढ़ लें, नहीं तो अपने नोट्स खोल लें सामने। ये देखते हैं पहले सवाल में, चूंकि दो SOFP होंगी तो उनमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ रही होंगी। सवाल में जितनी भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की लाइन आइटम्स मौजूद हैं, ऑल
सब में हमने यही इंक्रीज डिक्रीज दिखानी है। क्वेश्चन में जितनी भी करंट एसेट्स, जितनी भी करंट लायबिलिटीज आ रही हैं, उन सब को ऑल सब को एक एक करके इंक्रीज डिक्रीज की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन में दो एसओएफपी होंगे ना, तो उन दोनों एसओएफपी में करंट एसेट्स में भी लाइन आइटम्स आ रही होंगी, इन्वेंटरी होगी, डेटर्स होंगे, कैश एंड बैंक होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा होगा, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा होगा, करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, क्रेडिटर्स होंगे, इंटरेस्ट पेबल आ रहा होगा, एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। तो जो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज सवाल में हैं, उन सब को एक एक करके वहां इंक्रीज डिक्रीज की शक्ल में लिखना है। और साइन का फैसला कैसे करना है, करंट एसेट्स लिख रहे होंगे जब तो इंक्रीज नेगेटिव लगानी है, और जब करंट लायबिलिटीज लिख रहे होंगे तो डिक्रीज नेगेटिव लगानी है। लेकिन सब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को नहीं, इनके अलावा बाकी सबको एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग, ये वहां होंगे तो इनकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। ये जो मैंने लिस्ट लिखी है, इनकी इंक्रीज डिक्रीज वहां नहीं दिखानी, इनके अलावा जो भी हुए उनकी इंक्रीज डिक्रीज दिखाएंगे। क्यों नहीं बताया अभी, ये क्या है, कैश और कैश जैसा सब कुछ, कैश की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी, बैंक की इंक्रीज डिक्रीज नहीं बतानी, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बतानी इंक्रीज डिक्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज डिक्रीज नहीं बतानी, एडवांस टैक्स, टैक्स पेबल नहीं बतानी इंक्रीज डिक्रीज, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड रिसीवेबल नहीं दिखानी इंक्रीज डिक्रीज, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। एनी अदर एसेट और लाइबिलिटी जिसके लिए हमने इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में कुछ ना कुछ कर लिया हुआ है, जैसे अभी जो पिछली क्लास में सवाल किया था, सवाल था क्वेश्चन एट, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन एट पे आइएगा, क्वेश्चन एट में करंट लायबिलिटीज, वैसे तो नाम नहीं लिखा करंट लायबिलिटीज, लेकिन आपको देख के अंदाजा हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज में एक करंट पोर्शन ऑफ लोन आ रहा है क्वेश्चन एट में, और ऊपर भी एक लोन आ रहा है। बेशक सवाल में नॉन करंट करंट की तमीज नहीं की हुई, लेकिन आपको अंदाजा हो रहा है जो ऊपर लोन लिखा हुआ है वो नॉन करंट में आ रहा होगा, और ये जो उसी का टुकड़ा नीचे करंट पोर्शन लिखा हुआ है ये करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा। तो ये जो करंट पोर्शन लिखा है इसका क्या इस्तेमाल किया था, इसको जब हमने लोन नया या पुराना वर्किंग की थी बिल्कुल आखिर में, इसको वहां कर लिया था इस्तेमाल। करंट पोर्शन का जो बीडीसीडी है इसको सबसे आखिरी देखिएगा, वर्किंग में किया था इस्तेमाल, दोनों बीडी दोनों सीडी लिख लिए थे, तो चूंकि इसको वहां यूज कर लिया था इसलिए इसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी ऑपरेटिंग में। यह बात दोबारा सुने, ये जो मैंने पांच लाइन आइटम लिखी है इनके अलावा बाकी जो भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी सवाल में मौजूद है, पीछे रह क्या गया, वही चार पांच ही रह गए, डेटर होगा, प्री पेमेंट होंगे, इन्वेंट्री होगी, क्रेडिटर्स होंगे, एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे, वही होंगे, उनकी इंक्रीज डिक्रीज दिखानी है। सवाल में हो सकता है उनके अलावा भी कोई और नाम हो, उनकी भी इंक्रीज डिक्रीज दिखा दे, बस वो पांच नाम याद रखने की बजाय ये पांच नाम याद रखते हैं। ये अगर सवाल में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में आ रहे हैं तो इनकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं शो करनी। कैश, कैश इक्विवेलेंट्स वाली चीजें, एडवांस टैक्स, टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में वो लाइन आइटम्स जिनको आप वर्किंग्स में यूज कर चुके या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो इसकी वजह से नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कैश इक्विवेलेंट है ना, तो वो नहीं लिखनी, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखनी उसकी। लेकिन वैसे भी अगर वर्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा देंगे तो वो भी नहीं लिखना। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में ऐसी चीजें जिनको हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में कर चुके हैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल, उनकी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। तो सारे करंट एसेट्स, सारी करंट लायबिलिटीज की इनके अलावा इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगी इस पोर्शन में। डेटर्स को सवाल में दो तरह से डील कर सकते हैं, एक सही तरीका है और दूसरा काम चलाओ तरीका है, काम चल जाता है उससे भी। सवाल में आप कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे जिसमें आसानी लग रही होगी, वैसे मैं तो प्रेफर करूंगा कि जो सही वाला तरीका है वो लगाइए, लेकिन आईकेप के सॉल्यूशंस में दूसरा तरीका भी चल गया हुआ है, तो इसलिए आप काम चलाओ तरीका लगा सकते हैं। प्रेफर वैसे सही वाले को कर लें, आगे जिंदगी में काम आएगा, आर्टिकल में कभी कैश फ्लो बनानी पड़ी तो।
डेटर्स के हवाले से ये शायद ये बात अभी इतनी समझ ना आए, सवाल करेंगे तो समझ आएगी। डेटर्स, ये जो डेटर्स की इंक्रीज डिक्रीज की लाइन है ना, इसको दो तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों बातें सही हैं। एक तरीका ये है, अच्छा क्या मतलब इंक्रीज डिक्रीज? नहीं चलो वो तो ठीक है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेटर्स का ईयर एंड पे जो बैलेंस है और पिछले साल का जो बैलेंस है उनका डिफरेंस। कौन से डेटर्स का डिफरेंस, ग्रॉस का या नेट का? दोनों तरीके ठीक हैं। अगर नेट वाले का डिफरेंस लेना हुआ तो क्लोजिंग भी नेट, ओपनिंग भी नेट। अगर ये काम करना हुआ ये भी चल जाएगा, लेकिन फिर पढ़ा जा रहा है Yes, अगर डेटर्स नेट वाली फिगर का इंक्रीज डिक्रीज लिया तो चल जाएगा, लेकिन फिर ऊपर जो बैड डेट एक्सपेंस वाली लाइन लिखी थी फिर वो नहीं लिखनी, फिर वो लाइन नहीं लिखनी। लेकिन अगर डेटर्स ग्रॉस वाले का डिफरेंस लेना है तो एक तो वो लाइन लिखनी है, दूसरा डेटर्स का क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस लेते हुए राइट ऑफ को इसमें ऐड कर लेना। क्यों नहीं बताया अभी? क्यों नहीं बताया अभी? डेटर्स को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका डेटर्स के नेट ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें। अगर ये तरीका लगाया तो फिर ऊपर बैड डेट एक्सपेंस वाली लाइन नहीं लिखनी, या फिर डेटर्स के ग्रॉस ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें, फिर बैड डेट वाली लाइन ऊपर लिखनी है, और फिर इसमें ये भी काम करना है। तो फिर ना करें क्यों? क्योंकि मैंने भी नहीं बताया। तो जब क्यों बताऊंगा ना फिर इसकी रीजन समझ आएगी। नहीं, जब क्यों बताऊंगा तो इसकी रीजन बताऊंगा, समझ आएगी कि नहीं पता नहीं, बताऊंगा तब रीजन बताऊंगा। तो डेटर्स को दो तरह से हैंडल कर सकते हैं। प्रेफर्ड वैसे ये वाला तरीका, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको लेकिन प्रैक्टिकल तरीका यही है, इसलिए कोशिश इसी की करिएगा। ये पढ़ा जा रहा है, ये बोर्ड में जो लिखा है, पढ़ा जा रहा है तो क्या समझ आता है? लिखे क्या समझ आया? हमने जब इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो इन आइटम्स की इंक्रीज डिक्रीज नहीं करनी, ये ममनू आइटम्स हैं। क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज लिखनी है, प्री पेमेंट्स की, हो सकता है सवाल में आपको क्रेडिटर्स की फिगर के अंदर इंटरेस्ट पेबल छुपा के दे दियो, तो इंटरेस्ट पेबल की इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं लिखनी होती, ये क्रेडिटर्स की लिखनी होती है। तो अब जब आप क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज लिखने लगेंगे तो उसमें जो छुपा हुआ इंटरेस्ट पेबल है ये पहले हटा लेना, फिर क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज लिखना, ये होगा आपसे सवालों में। इसी तरह प्री पेमेंट्स के अंदर हो सकता है इसने एडवांस टैक्स छुपा के दिया हो, तो हमने टैक्स की तो नहीं बतानी इंक्रीज डिक्रीज, प्री पेमेंट्स की बतानी, एडवांस टैक्स की नहीं बतानी। तो वो जो बैलेंस शीट में प्री पेमेंट्स में एडवांस टैक्स छुपा हुआ वो निकाल लेंगे, बाकी की फिर इंक्रीज डिक्रीज लेंगे। ये चीज सवालों में हो जाएगी क्लियर। तो इनडायरेक्ट मेथड का सवाल करना कैसे है, ये आपको मैंने फॉर्मेट की चीजें पूरी करके दी हैं, क्यों की वजह सवालों के बाद। तो एक सवाल तो अभी आप कर ही लेंगे, तो एक घंटा हुआ मुश्किल से, बल्कि एक घंटा भी नहीं हुआ। यार जवान लोग हैं आप, देखो दिन गुजर रहे हैं तेजी से, एक महीना रह गया सिर्फ, कितने पेपर देने हैं? 3। अभी फिर आप ये पेपर देंगे, फिर अगले 6 महीने में फिर और पेपर होंगे, फिर कैफ साल डेढ़ साल लगाएंगे, फिर आर्टिकल्स होंगे, फिर कहीं जाके पेपर पास करेंगे, फिर कहीं जाके शादी होगी। तो ये एक एक अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6 महीने का फर्क पड़ता है। देखें आप अपनी क्वालिफिकेशन 6 महीने लेट करें, शादी 6 महीने लेट, चलो शादी तो उसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन 6 महीने लेट हो गई, क्वालिफिकेशन 6 महीने लेट हो गई, तो जो कमाई क्वालिफिकेशन के बाद होनी थी वो 6 महीने लेट हो जाएगी। अब उनको इनटू 6 करके देख लें, तो एक सवाल और कर लेते हैं। छोटा सा सवाल है, देखो 8 नंबर का, देख कोशिश करते हैं। इसी से यही वाला लेटेस्ट वाला सवाल है 8 नंबर का।
है स्प्रिंग वाइज, 8 नंबर का सवाल है, कर लेते हैं ट्राई है? नहीं नहीं है तो ये पूरे बड़े नंबर का सवाल ही, बस दफा उन्होंने 8 नंबर पूछ लिया था। दोनों ही आ सकते हैं दोनों, नहीं नहीं बहुत कम नहीं है ये भी, नहीं नहीं बिल्कुल है यार, ये तो है, इसकी मैंने को ग्रेड भी दी थी आपको। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो है तो ये एक ही ग्रिड में, लेकिन ग्रिड बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए ये जो पांचों लिखे हुए पांचों इंपॉर्टेंट है। जी जी क्या हुआ, रेशियो क्या करवाया वो, ये रेशियोज ये है, ईपीएस ये है, दोनों सवाल आएंगे। चैप्टर ये दो रहते हैं और ये जो है ना ये आपने रटे लगाने, मैं आपको इसमें से चीजें मार्क करवा दूंगा, ये आपके रटे लगाने वाला है, एमसीक्यूज में आता है ये वाला। सवाल कर ले हैं, चलें स्प्रिंग 22 पढ़ लें, बस हो गई तो बीच में छोड़ देंगे कोई मसला नहीं, मेरी बस हो गई तो। स्प्रिंग 22 यानी इनमें क्वेश्चन नंबर 4, हो सकता है कोई बात नहीं यार, पढ़ लें पढ़ लें। वैसे छोटा सा सवाल है, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा। कैश फ्लो बनानी है, नहीं कहा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, पर इनडायरेक्ट है क्योंकि डायरेक्ट से हो भी नहीं सकता, डाटा ही नहीं है डायरेक्ट के लिए। क्या है फॉर द ईयर एंडेड, रुपीज है, थाउजेंड है, मिलियन है, मिलियन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है या फाइन करना पड़ेगा, फाइन करना पड़ेगा, कर लेते हैं कैसे, रिटेन अर्निंग्स और टैक्स है, रिटेन अर्निंग्स का बीडी 33.8, रिटेन अर्निंग्स का सीडी 32.9, टैक्स पेएबल का बीडी, टैक्स पेएबल प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही बात है, टैक्स पेएबल का बीडी ऊपर बैलेंस शीट में तो नहीं नजर आ रहा, पॉइंट नंबर 3 में बताया हुआ है जी, पॉइंट 2 सीडी, पॉइंट 1 टैक्स एक्सपेंस, उल्टा बता दिया, अच्छा 1 है 1 टैक्स एक्सपेंस 2.4, तो टैक्स पेड आ जाएगा, वैसे तो टैक्स एक्सपेंस ही चाहिए था लेकिन वर्किंग कर ही रहे हैं तो मैं पेड निकाल लिया, अच्छा अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए चाहिए था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यहां से मिलेगा, और कौन सा टैक्स एक्सपेंस के पेड, तो टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है लेकिन अभी कर ही रहे थे वर्किंग तो चलो लग गया तो पेड निकाल लिया, आगे तो निकालना ही था, अभी आगे तो चाहिए था टैक्स पेड तो अभी निकाल लिया, यहां पे और क्या क्या है
बीडीसीडी आ गया और रिटेन अर्निंग में क्या, फिर डिविडेंड, कोई सरप्लस, डिविडेंड पॉइंट नंबर वन, डिविडेंड पेड है तो डिक्लेयर्ड चाहिए मेरे को वहां, तो यही डिक्लेयर्ड है क्योंकि है ही नहीं डिविडेंड पेएबल, है ही नहीं ना, डिविडेंड पेएबल ही नहीं है, तो बस यही डिक्लेयर्ड एंड पेड, तो ये आ जाएगा यहां डेबिट साइड पे कितना 3.4. ना यार डिक्लेयर्ड लेते हैं, रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, पे होता है तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट होता है, और रिटेन अर्निंग्स में कुछ कोई ट्रांसफर कोई नहीं, कुछ नहीं, तो यहां से बैलेंस करके निकलेगा पैट, लेकिन हमें पीबीटी चाहिए, तो पीबीटी होगा पैट प्लस टैक्स एक्सपेंस 4.9. रिवेल्यूशन सरप्लस का बिल्कुल ठीक है बात आपकी, रिवेल्यूशन सरप्लस मुझे चूंकि पता था मैंने इसको स्किप कर दिया, लेकिन बिल्कुल सही है, मैं स्किप नहीं करना चाहिए था रिवेल्यूशन सरप्लस, वैसे तो इसको पीपीई के साथ बनाना था, लेकिन अभी बता देता हूं आपको सरप्लस का बीडी कितना है, जीरो है, सीडी कितना है और कुछ नहीं बताया क्या हुआ होगा, मजीद रिवेल्यूशन हुई होगी, नहीं डिग्रीज नहीं ना, मजीद रिवेल्यूशन गेन हुआ होगा ना, कोई ट्रांसफर नहीं है, अगर सरप्लस ट्रांसफर होता तो कुछ ना कुछ और हिंट मिलता, क्योंकि इसमें आपको कोई बीडी नहीं बताया, सीडी है बस और कुछ नहीं है, तो नया सरप्लस ही आया होगा, ट्रांसफर कोई नहीं हुआ होगा, इसलिए यहां पर पूरी हो गई रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 4.9. इससे आगे क्या होता है, एड क्या, डेप्रिसिएशन, अच्छा बस ये लाइन करके ना बस फिर छोड़ता हूँ, बाकी कल क्लास में करा दूंगा, डेप्रिसिएशन की फिगर डी वी ए निकालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन सवाल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर गिवन है या वर्किंग करनी पड़ेगी, कहाँ से पता चलेगी कैसे कैलकुलेट करें, पीपीई वाली वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, और ये आपको बताया था कि जब भी पीपीई की वर्किंग करें साथ ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी और सरप्लस भी, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं है, पीपी का बीडी कितना 10.6, सीडी कितना, सरप्लस का बीडी कोई नहीं, सीडी 4, और सवाल में कोई पीपी की ट्रांजेक्शन एडिशन है पॉइंट नंबर 2 में 14, और पीपी की कोई ट्रांजेक्शन, पहले वो ट्रांजेक्शन तो देख लें कहीं कोई है, तो बस यही था और उसके अलावा कुछ नहीं है सवाल में, अब इसी से हिसाब किताब लगाते हैं क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है कि रिवेल्यूशन अपवर्ड हुई होगी, गेन आया होगा, गेन कह दें पीपी कह दें, ये यहां आएगा, और इसको बैलेंस करें तो यहां पर आ रहा है यकीनन डेप्रिसिएशन ही होगी 9.9. अच्छा ये ज्यादा नॉर्मल है कि डिस्पोजल हुआ होगा, ये ज्यादा नॉर्मल है कि डेप्रिसिएशन हुई होगी, पर ये डेप्रिसिएशन ही होगी, ये चाहिए थी डेप्रिसिएशन, चले बाकी मैं यहां से कल कंटिन्यू कर लेता हूं, वैसे एक लाइन आपकी लाइनें बचा देता हूं, डेप्रिसिएशन के बाद देखिए फॉर्मेट क्या क्या है, रिवेल्यूशन लॉस नहीं है इस सवाल में, और लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल ही कोई नहीं है, इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं है कहीं, बैड डेट का कहीं जिक्र ही नहीं है, फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है, लेस पे आ जाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गेन नहीं, कोई डिविडेंड नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, कोई रिवेल्यूशन वगैरह नहीं है, कोई एसेट बेचा ही नहीं है, तो बस ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, यहां से आगे इंशाल्लाह कल करते हैं, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।